उसके बाद एक पता नहीं एक कीड़ा काट गया है मराठी पिक्चरों का। बहुत कोशिश की कि ये पिक्चर को हम टेक ओवर कर लें, इन्होंने टेक ओवर करने दिया नहीं हमें। हर एंगल से मैंने बोला कि लाभ है, एक दिन लेकर दे इसको लेके आओ, लेकिन इन्होंने हमें एंट्री नहीं दी। लेकिन हमको ये सब्जेक्ट इतना पसंद आया, कैसे नो वे हेयर आई लाइक द फिल्म, चलो हमारे पास ले ये फिल्म, ये कर रही है सेम चीज़ है। जब भी आप इसका म्यूजिक लॉन्च करें तो प्लीज कॉल मी बिकॉज़ आई रियली लाइक द सब्जेक्ट, मुझे बड़ा पसंद आया, सो आई वुड बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड आई वुड लाइक टू हैव यू एज मच एज आई कैन। मुझे ये मराठी सिनेमा बहुत पसंद है क्योंकि स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट है और हम महाराष्ट्र में रहते हैं, आई महाराष्ट्र है, तो एक कहीं ना कहीं एक लगाव है। और बहुत टाइम से ये सिनेमा काफ़ी इग्नोर हुआ है, ये सिनेमा एक बहुत ही अलग लेवल पे जा सकता है और वही कोशिश है कि जितना अवेयरनेस फैलाएँ, यू नो वो कर रहे हैं। एक फिल्म की थी लई भारी, उसके बाद ये हैं विधि जिनके साथ मैंने काम भी किया एक फिल्म के अंदर, इसी लाइफ में गेस्ट अपीयरेंस किया था मैंने, तो मुझे इनका काम बहुत अच्छा लगता है, इनकी सेंसिबिलिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये खुद मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसीलिए आई एम हियर फॉर टू सपोर्ट हर बिकॉज आई नो कि इनमें बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट सेंस है और ये स्क्रिप्ट लेवल प्लॉट लेवल पे कभी भी गलत नहीं जाएंगी। सो आई एम कम हियर टू करी ना नक्की करी डेफिनेटली दिया माला मस्त रोल दिया माला नहीं करना।